रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों को जीवन की एक नई सीख देता है। रामायण की सबसे बड़ी सीख यह है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। रामायण का हर एक पात्र अपने आप में ही खास है। राम और रावण के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं जो अपनी नींद को लेकर काफी प्रसिद्ध था। जी हाँ, अब तक आप लोग यह तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसी और की नहीं बल्कि रावण के भाई कुंभकर्ण की बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुंभकर्ण से जुड़े तीन ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आप लोगों को पता होगा। इस दौरान हम आपको यह भी बताएंगे कि रावण के भाई कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण को राम से क्षमा मांगने के लिए क्यों कहा था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए जानते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण की तीन खास बातें। आखिर कुंभकर्ण को सोने का वरदान क्यों और कैसे मिला था? कुंभकर्ण ऋषि वृष और केकई का पुत्र था, साथ ही वह लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। ऐसा भी माना जाता है कि बचपन से ही इसके बड़े कान होने के कारण ही इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। कुंभकर्ण का शरीर इतना बलशाली और इतना विशाल था कि उसके आगे सभी लोग बौने नजर आते थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष और मोटाई 100 धनुष के बराबर थी और उसके नेत्र गाड़ी के पहिए के समान थे। उसे इतनी भूख लगती थी कि वह मनुष्य सहित पशुओं को भी खा जाता था। जन्म लेते ही उसने अपनी प्रजा के कई लोगों को खा गया था। कुंभकर्ण एक बार में इतना भोजन करता था कि नगर के कई लोग एक साथ मिलकर उतना भोजन नहीं कर सकते थे। कुंभकर्ण के इस विचित्र आदत से सभी लोग परेशान रहते थे। सभी को यह भय रहता था कि अगर यह इसी तरह से खाता रहेगा तो एक दिन पृथ्वी अनाज से पूरी तरह से खाली हो जाएगी। प्रजा को इस हालत में देखकर सभी देवता भी घबराने लगे। फिर वह मदद के लिए इंद्रदेव के पास गए। फिर उसके बाद कुंभकर्ण और इंद्रदेव के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ। इसमें कहा जाता है कि कुंभकर्ण ने इंद्रदेव को परास्त कर दिया। बताते हैं कि इस युद्ध के बाद कुंभकर्ण इंद्र का शासन हड़पना चाहता था, जिसके लिए वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तत् के लिए बैठ गया। ऐसा भी कहा जाता है कि कुंभकर्ण के साथ उसके भाई रावण और विभीषण भी तत् के लिए बैठे थे। वहीं जब इन सब की बात देवताओं को पता चली तो वह काफी घबरा गए। कुंभकर्ण ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। जैसे ही वह कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो उस समय इंद्र समेत सभी देवता उनसे वरदान ना देने की विनती करने लगे, क्योंकि कुंभकर्ण से सभी लोग परेशान थे। कुंभकर्ण के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी भी हैरान थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने उपाय देते हुए कहा कि जब मैं उसे वरदान मांगने के लिए कहूँ तब देवी सरस्वती उसकी जुबा पर आकर बैठ जाएं। सब कुछ तय होने के बाद जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा, तब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया, जिसे ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब कुंभकर्ण वरदान मांग रहा था तब देवी सरस्वती उसके जुबा पर आकर बैठ गई, जिससे कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बजाय निद्रासन मांग लिया। लेकिन बाद में जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से उस वरदान को बदलने की विनती की, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। बस इतना ही किया जा सकता है कि बस इसे थोड़ा कम किया जा सकता है। तब फिर ब्रह्मा जी ने उस वरदान की थोड़ी अवधि कम कर दी, जिसके कारण कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था
और फिर एक दिन के लिए उठता था और फिर 6 महीने के लिए सोता था। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे सचेत किया था कि अगर किसी ने उसे बलपूर्वक उठाया तो उसका वह अंतिम दिन होगा। अब जानते हैं कि कुंभकर्ण ने रावण को युद्ध रोकने के लिए क्यों कहा था। बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम और रावण के बीच में महायुद्ध चल रहा था, उस समय में भी कुंभकर्ण सोया हुआ था। उसे कोई भी खबर नहीं थी कि लंका में क्या चल रहा है। वहीं जब युद्ध में लड़ते लड़ते रावण की आधी सेना मर जाती है, तब रावण को अपने भाई कुंभकर्ण की याद आती है और वह कुंभकर्ण से मदद लेने का विचार करता है। लेकिन कुंभकर्ण अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके जागने का समय भी नहीं हुआ था। तब मजबूर होकर रावण ने उसे जगाने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। अपने राजा की आज्ञा मानकर सभी सैनिक अपने हाथों में तलवार, भाला और सीढ़ी लेकर कुंभकर्ण को जगाने पहुंच जाते हैं। पहले कुछ लोग सीढ़ी की मदद से कुंभकर्ण के शरीर पर चढ़ जाते हैं। उसे जगाने के लिए उसके शरीर पर जोर जोर से उछल कूद करते हैं। वहीं कुछ लोग उसके कानों के पास ढोल नगाड़े बजाते हैं और कुंभकर्ण के शरीर में भालों को चुभोकर भी उसे जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुंभकर्ण पर इस सब का कोई भी असर नहीं होता। वह गहरी नींद में सोता रहता है। एक के बाद एक सारे प्रयास विफल होने के बाद रावण को मन में ख्याल आता है, क्यों ना उसके लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाए जाएं, क्योंकि कुंभकर्ण खाने का बेहद ही शौकीन था। बस फिर क्या था, कुंभकर्ण के लिए तरह तरह के भोजन तैयार किए जाते हैं। भोजन तैयार होने के बाद उस भोजन को बड़ी बड़ी थालियों में रखकर कुंभकर्ण के पास पहुंचा दिया जाता है। जैसे ही सेवक भोजन को लेकर कुंभकर्ण के आसपास घूमते हैं तो उसका असर दिखाई देने लगता है। खाने की सुगंध जैसे ही कुंभकर्ण तक पहुंचती है तो वह कुछ ही पल में उठकर बैठ जाता है। उठने के बाद सबसे पहले कुंभकर्ण भर पेट भोजन करता है, फिर उसके बाद अपने भाई रावण से मिलने के लिए जाता है। तब रावण कुंभकर्ण को बताता है कि राम के साथ उसका युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में उसके कई शक्तिशाली योद्धा और सेना मारी जा चुकी है। भगवान राम की वजह से ही मिली हार के कारण कुंभकर्ण को जगाया गया था, क्योंकि कुंभकर्ण बहुत ही बलशाली था। यह सुनने के बाद कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से इस युद्ध का कारण पूछा। तब रावण ने कहा कि उसने सीता का हरण करके उन्हें लंका में ले आया है। पूरी बात सुनकर कुंभकर्ण आश्चर्यचकित रह गया। कुंभकर्ण को यह पता था कि राम कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि नारायण के अवतार हैं। वही माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार हैं। रावण का भाई होते हुए भी कुंभकर्ण ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि माता सीता को लौटाकर राम जी से क्षमा मांग ले, इसी में सभी की भलाई है। पर रावण ने कुंभकर्ण की एक भी ना सुनी। कुंभकर्ण की बात सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया और उसने धर्म और नीति का पाठ पढ़ाते हुए युद्ध और विपत्ति के समय में जो अपने भाई का साथ ना दे, उससे बड़ा पापी और नीच कौन होगा। लाख समझाने पर भी रावण नहीं माना। तब कुंभकर्ण अपने भाई से कहता है कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, तो अगर वह भगवान के हाथों हो तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। यह बोलकर कुंभकर्ण रणभूमि की तरफ चल देता है। अब जानते हैं कि मरते समय कुंभकर्ण ने विभीषण से क्या कहा था। कुंभकर्ण राक्षस होते हुए भी राम जी की माया को जानता था। उसे मालूम था कि भगवान श्री राम से युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है, उनसे युद्ध करके राक्षस जाति का विनाश निश्चित है। लेकिन बड़े भाई की आज्ञा के विरुद्ध भी जाना उचित नहीं है। जैसे ही कुंभकर्ण युद्ध भूमि में कदम रखता है तो उसके विशाल काय शरीर को देखकर वानर सेना में हड़कंप मच जाता है। सभी वानर इधर उधर भागने लगते हैं। जब कुंभकर्ण के बारे में राम जी को पता चलता है, तब फिर कुंभकर्ण का भाई विभीषण
श्री राम की आज्ञा लेकर वहां अपने भाई कुंभकर्ण को समझाने के लिए जाता है। विभीषण उसे धर्म नीति समझाते हुए वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कुंभकर्ण तो अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने आया था। वह कहता है, जो भीषण परिस्थितियों में कुल और देश से मुंह मोड़ लेता है, उससे बड़ा नीच और देशद्रोही कौन होगा। फिर कुंभकर्ण अपने भाई विभीषण से कहता है कि तुम अपने धर्म का पालन करो और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। आखिर में कुंभकर्ण अपने भाई विभीषण से विनती करते हुए कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा अंत होने वाला है और राक्षस कुल में तुम अकेले ही जीवित बचोगे, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम अपने वंश का अंतिम संस्कार नीतियों के अनुसार ही करना। यह सारी बातें करने के बाद कुंभकर्ण लड़ने के लिए युद्ध में आगे बढ़ता है और समस्त वानर सेना को अपने पैरों तले रौंदता हुआ आगे बढ़ता जाता है। उस समय कुंभकर्ण का सामना हनुमान जी, लक्ष्मण जी और अंगद से भी होता है, लेकिन वह भगवान श्री राम के हाथों ही मरना चाहता था। इसीलिए उसने वानर सेना के राजा सुग्रीव को बंदी बनाने की योजना बनाई। जैसे ही वह सुग्रीव को बंदी बनाकर ले जाने लगता है, तभी भगवान श्री राम उसके सामने पहुंच गए। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को अपने सामने देखकर कुंभकर्ण अपने मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे अपने भाई की आज्ञा का पालन भी करना था। इसीलिए उसने भगवान श्री राम के साथ में युद्ध किया। कुंभकर्ण अपने जान की परवाह किए बिना भगवान श्री राम से युद्ध करता रहा और अंत में उनके हाथों ही मारा जाता है। भगवान श्री राम उसकी दोनों भुजाओं और मस्तक को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। इस तरह से एक महाबलशाली योद्धा का अंत होता है। इस तरह से कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण की आज्ञा का पालन भी किया और भगवान श्री राम के हाथों मरकर मोक्ष भी प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि कुंभकर्ण का शरीर गिरने से बाहरी फाटक गिर गया था। जब रावण को कुंभकर्ण की मृत्यु की खबर मिली, तब वह सोचने लगा कि मेरा भाई कुंभकर्ण तो इतना बलशाली था, फिर कैसे वह युद्ध में राम के हाथों मारा गया। कुछ देर बाद रावण को कुंभकर्ण की सारी बातें याद आने लगी, जो उसने युद्ध में जाने से पहले रावण को समझाई थी। लेकिन सिवाय पछताने के अब रावण के हाथों में कुछ भी नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। अगर समय रहते इस पर काबू ना किया जाए तो विनाश निश्चित होता है। अपने अहंकार की वजह से ही रावण का अंत हुआ था। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।